साथियों जय जवान जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों हरियाणा खेलों की धरती है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश में अनेक इतिहास रच के अपने प्रदेश का और पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। लेकिन ये हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है, जो खिलाड़ियों की भी विरोधी है, ए बी और सी श्रेणी में जो 3% खेल कोटा खत्म करने का ऐलान गठबंधन सरकार ने किया, जिसके तुरंत बाद खिलाड़ियों ने विरोध शुरू किया, खिलाड़ी संगठित हुए और भिवानी से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई और सभी वर्गों ने सरकार के इस तानाशाही फैसले का विरोध किया, जिसका रिजल्ट है साथियों आंदोलन और संघर्ष हमेशा रंग लाता है। ये आरएसएस, बीजेपी और जेजेपी के लोग केवल विरोध और आंदोलन की भाषा समझते हैं। खिलाड़ियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस सरकार को आदत है थूक करके चाटना, घुटनों के बल आकर के, और सरकार को, हरियाणा की गठबंधन सरकार को 3% खेल का कोटा बहाल करना पड़ा है और पदक लाओ पद पाओ की नीति को बहाल करना पड़ा है। जो खिलाड़ियों की मांग है कोटा 6% हो, खिलाड़ी लगातार उसके लिए संघर्ष करें और जो आपकी ये जीत हुई है उसके लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई है, सबका धन्यवाद है और संघर्ष करने वाले सभी साथियों का धन्यवाद है। बॉक्सर विजेंद्र भी लगातार विरोध कर रहे थे, उनका भी बहुत आभार है। और जो तमाम खेलों को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के और जो कोटा बढ़ाने को लेकर के जो खिलाड़ियों की मांग है, उनको लगातार लेकर के आप आगे बढ़ें, लगातार विरोध करें। भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा खिलाड़ियों का कंधे से कंधा मिला करके साथ देगा। साथियों कुछ जगह दुष्यंत चौटाला सरे ले रहे हैं, उनके समर्थक सरे ले रहे हैं। हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहते हैं कि अगर वो खिलाड़ियों के हित में थे तो फिर ये 3% कोटा रद्द करने का फैसला नहीं होता। और अब भी अगर आपका जमीर जिंदा है तो 3% तो पहले से था ही, पदक लाओ पद पाओ की नीति पहले से थी। आपको हम तब माने खिलाड़ियों के हित में जब 3% को आप 6% करवाएं और खेलों के सर्वांगीण विकास के लिए, खिलाड़ियों के विकास के लिए काम करें। खट्टर सरकार को यह चैलेंज है, दुष्यंत चौटाला को चैलेंज है कि वो खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ ना करें, अन्यथा सरकार की ईंट